स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत का मामला आया सामने। टोहाना में रेलवे रोड स्थित एक महिला की स्वाइन फ्लू से मृत्यु का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों को जरूरी निर्देश जारी कर इसकी रोकथाम के उपाय व जनता में जागरूकता फैलाने के काम को तेज कर दिया है। ऐसा जी, लगभग एक महीना पहले एक मृत्यु हुई थी अपने टोहाना शहर में। उसकी हमें पीजीएमएस रोहतक से रिपोर्ट प्राप्त हुई है 15 दिन पहले के वो स्वाइन फ्लू का केस था। और ऐसे इक्का दुक्का केस अपने स्टेट में जैसे नरवाना से या और अभी निकल रहे हैं। इसी के संदर्भ में हमें 20 तारीख को स्टेट लेवल से हमारे को निर्देश भी हुए थे कि आप लोकल आईएमए की मीटिंग करें। तो कल हमने आईएमए की मीटिंग कॉल की थी, सभी को इसके बारे में अलर्ट कर दिया है। अलर्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि जो स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं, जो आम खांसी जुकाम वगैरह होता है, इससे मिलते जुलते से है। एकदम नहीं पता चलता, कई बार मिस हो जाता है केस के जो स्वाइन फ्लू है, जहाँ सिंपल खांसी जुकाम फ्लू का ही है। तो इसलिए सभी आईएमए साथियों को हमने अलर्ट कर दिया है, हमारे स्टाफ को भी हमने बता दिया है स्वाइन फ्लू के बारे में। क्योंकि दूसरा है कि इसका ज़्यादा केसेस जो हैं ज़्यादा ठंड के दिसंबर और जनवरी के दिनों में ही आते हैं, क्योंकि इनसे आगे हमारे बॉडी में ये वायरस जाता है। इसका इलाज अगर अर्ली स्टेज पे हमें पता चल जाता है तो इसका इलाज बहुत अच्छा इलाज है। टैमीफ्लू की दवाई दी जाती है, वो ओरली मुंह से दी जाती है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।